कोरोना के चलते लॉकडाउन के कारण काम धंधे बंद होने से बेकारी बढ़ गई है। युवा वर्ग अब अपने जेब खर्च के लिए चोरी लूटमार जैसे घटना को अंजाम देने लगे हैं। ऐसी ही एक घटना वाड़ी पुलिस की सतर्कता से टली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाड़ी के मलिपुर रेस्टोरेंट के पीछे खुली जगह पर छिपे बैठे चार लुटेरों ने घटना को अंजाम देने के पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों का नाम शुभम चरण दास मेंटे उम्र 26 साल, पाकर नगर निवासी नीलेश ज्ञानेश्वर गौड़ी 27 साल, रामजी आम्बेडकर नगर निवासी सूरज उर्फ रघु सुभाष बलावी 19 साल, माड़ा कॉलोनी 8वां मैल निवासी निखिल विजय कामड़े 24 साल, आम्बेडकर नगर निवासी और एक आरोपी रोशन नायडू पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हुआ। वाड़ी पुलिस ने 29 मई 2021 को रात करीब 7:30 बजे के दौरान कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार वाड़ी थाने के हवालदार सुनील मस्के सहयोगियों के साथ गश्त पर थे। गुप्त सूचना मिली कि रेस्टोरेंट के पीछे खुली जगह पर कुछ युवक लूटमार की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया, वहीं एक भागने में सफल हुआ है। फरार साथी रोशन की तलाश पुलिस कर रही है। बताया गया कि आरोपी तलवार, मिर्ची पाउडर, मोबाइल, चाकू, सलाख, नायलॉन रस्सी, लकड़ा डंडा, वाहन MH 32 AM 7599 सहित 50,000 रूपए का माल जब्त किया। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि लूटने की तैयारी कर रहे थे। उस आधार पर पुलिस ने धारा 399, 402, 92 सह कलम 425 के तहत, धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया। चार आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। PI प्रदीप सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में डिबे इंचार्ज PSI साजिद अहमद, हवालदार सुनील मस्के, प्रमोद गिरी, प्रदीप संतोष, मुनिंद, सतीश, ईश्वर, हेमराज व शिव शंकर ने कार्यवाही को अंजाम दिया। दिनांक 29/5/2021 रोजी संध्याकाळी 7:30 वाजता आम्हाला माहिती मिळाली आहे, मलिबू हॉटेल अमरावती रोड या ठिकाणी 4 ते 5 इसम बसलेले आहेत, चेहऱ्यावर पट्टे बांधून, त्यांच्याकडे धारदार शस्त्र वगैरे आहेत, काहीतरी दरोडा घालण्याची तयारी करत आहे अशी आम्हाला माहिती मिळाली। त्यानुसार आम्ही आमचे DB पथक जे आहे, DB पथकचे सुनील मस्के आणि त्यांची टीम यांना सोबत घेतलं आणि त्यानुसार आम्ही जाऊन व्हेरीफाय केलं। त्या ठिकाणी आम्ही पाहणी केली, अंधारात जाऊन पाहणी केली असता 5 इसम आम्हाला बसलेले दिसले, त्यांच्या चेहऱ्यावरती रुमाल वगैरे बांधलेलं होतं। आम्ही त्यांना त्या ठिकाणी धार टाकून पकडलं, त्यापैकी 1 इसम पळून गेला, 4 इसम आम्ही पकडले। 4 इसमांकडून आम्ही एक तलवार, एक चाकू, एक लोखंडी रॉड, एक लाकडी दांडा, मिर्च पावडर, रस्सी आणि एक ॲक्सेस गाडी असे साहित्य, एकूण 50,750 रुपयाचा माल आम्ही जप्त केला। त्या ठिकाणी त्यांना विचारपूस केली असता त्यांनी सांगितलं दरोड्याच्या तयारीने बसले होते अमरावती रोडवर किंवा आजूबाजू ज्या ठिकाणी त्यांना सोपं होईल त्या ठिकाणी ते दरोडा टाकणार होते। त्यावरून आम्ही पोलीस यांना माहिती दिली, वरिष्ठांना माहिती दिली आणि त्यामध्ये अपराध क्रमांक 201/21 कलम 399 402 सह कलम 425 भारतीय हत्यार कायद्याप्रमाणे गुन्हा नोंद केला आहे। त्यामधले जे आरोपी होते त्यापैकी एक आहे शुभम चरणदास मेंढे, 2 निलेश छोटू ज्ञानेश्वर गवई, सूरज सुभाष भलावी आणि 4था आहे निखिल विजय कांबळे। असे 4 आरोपी आहे, हे वाडी हद्दीमध्येच राहणारे आहेत, यांच्यावरती पूर्व इतिहास सुद्धा, यांचे गुन्हेगार इतिहास आहे यांचं। BCN न्यूज के लिए वाडी से सौरभ पाटील की रिपोर्ट।